पद खाली है 25,000 वह प्राइमरी टीचर का। रांची पुलिस ने भले ही रास्ता रोक दिया पर प्रदर्शनकारी छात्र सड़क पर डटे रहे। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। उग्र छात्रों के तेवर ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा वैसे वैसे विरोध प्रदर्शन का सिलसिला और तेज होता रहा। आखिरकार सड़क पर डटे छात्रों को मनाने मंत्री से लेकर जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और आजसू का प्रतिनिधि मंडल उनके बीच पहुंचा और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। बहुत जल्द होगा और जो मांग है वो जायज है और सहमति लगभग बन ही जाएगी। दो से तीन महीनों का जिक्र आप लोगों ने किया। हाँ, दो महीने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज लाखों लाख बीएड डिग्री धारियों के मन की मुराद पूरी कर दी। ये सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने वाले बीएड डिग्री धारियों को योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के। जी हाँ, क्या अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पलटा जा सकता है? हमारी मांग है अध्यादेश जारी करे, हमें पीआरटी में शामिल किया जाए। बस इतनी सी मांग है हमारी कि सरकार अध्यादेश लाए और बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करे। जो 18 से 23 तक के छात्र हैं। चलिए अब हम आपको इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। भारत में करीब 7,000 ऐसे कॉलेज हैं जहां बीएड की पढ़ाई होती है और हर वर्ष करीब 1.5 लाख छात्र यहां से बीएड की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद ये कैंडिडेट्स टीचर्स बनने के लिए अलग अलग एग्जाम्स देते हैं। कुछ यही हाल डिप्लोमा करने वाले बीटीसी और बीटीएस के कैंडिडेट्स का भी है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिन्हें सालों तक नौकरी नहीं मिलती और नौकरी के लिए कईयों का इंतजार तो कभी खत्म नहीं होता। ये हाल तब है जबकि देश भर में टीचर्स की लाखों पोस्ट खाली पड़ी। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक देश के लगभग सभी राज्यों में शिक्षकों की लाखों पोस्ट खाली रह गई थी, यानी इन पदों पर किसी की भर्ती नहीं हुई।